दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी इतनी मदद करेंगी आपने कभी सोचा नहीं होगा और ये ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएगा। आपने सिर्फ करना है कि ये एक काम जो मैं आपको बताऊंगा वो करना है और दूसरा आपने इसको सिर्फ काम ही करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये आपने 10 दिन करनी है, इससे ज़्यादा दिन नहीं करनी। 10 दिन बाद आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। काम करना कैसे है ये मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, ना ही कोई आपको मैं कोई सेटिंग्स बताने लगा हूँ। आपने ये करना है कि आप जब वीडियोस बनाते हैं, आप कोई भी टॉपिक है, आप कुक हैं, कुकिंग की वीडियो बनाते हैं और आपने नया चैनल शुरू किया हुआ है, या आपका पुराना चैनल है लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वीडियोज़ बनाते हैं और आपके पास टाइम भी कम होता है कि आप सिर्फ बड़ी मुश्किल से दिन में एक आधी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपने ये करना है कि आपने YouTube ओपन करनी है। बजाय आप फेसबुक देखने के, टिकटॉक देखने के या इधर उधर मुख्तलिफ एप्लीकेशनों पे टाइम ज़ाया करने के, आपने YouTube पे ही अपने चैनल के मुतलक, कुक के मुतलक, कुकिंग के मुतलक, फूड के मुतलक आपने सर्च करनी है और जिस वीडियोस पे, जिन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ होंगे आप देख लेते नीचे आ जाता है, या जिन चैनल्स के सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, या जो वीडियोज़ टॉप पर आ रही होंगी, टॉप पे पहले 10 वीडियो जो आप शो होती हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च करती हैं तो एक पूरा पेज आपके सामने आ जाता है, लेकिन आपने सिर्फ पहली जो 10 वीडियोस होती हैं टॉप वाली वो आपने देखनी है A to Z। उसमें ये नहीं कि आपने मतलब ये नहीं देखना कि ये वीडियो इंडिया की है, ये बांग्लादेश की है, ये चाइनाज की है, कोई भी वीडियो आपके सामने आ रही है ना, और कोशिश करना है कि आपने पाकिस्तान से बाहर के जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं वो वाली देखें, लेकिन अगर कोई भी आ जाए ना आपके सामने वो आपने देखनी है। वो वीडियो देखने के बाद ना आपने जस्ट अपना काम करना है, कुछ नहीं करना, अपने चैनल के साथ कुछ नहीं करना है, वीडियोस के साथ कुछ नहीं करना है, जो रूटीन वर्क आप कर रहे हैं डेली का, एक दो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी तरीके से करनी है। सिर्फ 10 दिन आपने 10-10 वीडियो देखनी है, वो वीडियो 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, जितनी भी वीडियो सामने आपके आएंगी आपने देख लेनी है। अच्छा, 10 दिन देखने के बाद आपको पता क्या होगा, आपके अंदर ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इंसान के जिस्म, इंसान के जहन में, वो ये होता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है ना, जो वीडियो आप देख रहे होते हैं या जिसमें आपको इंटरेस्ट शो हो रहा होता है, वो आप खुद करना शुरू कर देते हैं। जब आप वो खुद करना शुरू कर देते हैं तो आपके काम में नखार पैदा होता है, आपकी वीडियो में जान पैदा होती है। साफ ज़ाहिर है जो 10 बंदे काम कर रहे हैं, जिनकी आपने वीडियोस देखी हैं, उनका तजर्बा भी होगा, वो उनके चैनल भी पुराने होंगे, आपसे पुराने होंगे, उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा होंगे, उनके वीडियोज़ पे, उनके चैनल्स पे जो वीडियोज़ होंगी उनकी तादाद भी आपसे ज़्यादा होगी, उनके जितने थंबनेल होंगे आपसे ज़्यादा होंगे, मतलब कि आप अपने से कई गुना बड़े एक यूट्यूबर को देख रहे हैं और वहाँ से आप उसका आइडिया चेक कर रहे हैं कि इसने थंबनेल किस टाइप का बनाया है, इसने वीडियोस में शुरू में क्या कहा है, वीडियो के एंड पे क्या कहा है, इसकी वीडियो की अपलोडिंग की जो तादाद है वो कितनी है और टाइमिंग क्या है। जब आप ये चीज़ें नोट करना शुरू कर देंगे ना उस बंदे की, तो वो आप अपने आपके अपने अंदर ना खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आप जब अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत, तो आपकी वीडियोज़ भी उसी रैंक में जाना शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ आपने करना क्या है कि वीडियोज़ देखनी है। होता अब क्या है हमारे साथ कि हम अपनी तरफ से बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, बड़े अच्छे टाइम पर अपलोड करते हैं और सारा कुछ उसके टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास वो वाले अल्फाज नहीं होते जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, या हमारे पास वो ज़खीरा नहीं होता जिनके मदद से हम आगे मज़ीद वीडियो बना सकें, या हमारे पास वो क्वालिटी नहीं होती जिनकी मदद से हम एक अट्रैक्टिव या एक पुरकशिश थंबनेल बना सकें। हालांकि हमें आता है बनाना, हमें हर चीज़ हर ऑप्शन का पता होता है, लेकिन सिर्फ बात यह होती है कि हम अपने जहन को अपने हद तक महदूद कर लेते हैं, अपने काम तक महदूद करते हैं, कोशिश करते हैं उसको अच्छा करने के लेकिन हो नहीं पाता, अपनी जान में हम बिल्कुल 100% देते हैं लेकिन आगे जाके वो रैंक नहीं कर पाती। तो वहाँ से हमें आइडिया मिलेगा, हर चीज़ का आइडिया हमें यूट्यूब से मिलेगा और आपके अपने चैनल के मुतल्लिक ही मिलेगा। तो ये काम आज से शुरू कर दें, 10 दिन करें, 10 दिन बाद आपको इस काम में मज़ा आएगा। मज़ा ऐसा आएगा कि जब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे तो आप मज़ीद लोगों के चैनल चेक करेंगे, तो जब आपके व्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आपके काम में निखार और तरक्की शुरू हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।